बड़ी सी बात है। सूरदास कहते हैं कि गज निरखत फहरान बसन की, हवा के झकोरों से भगवान के पीले पीतांबर को जब उड़ते हुए देखा, ललाट पर दिव्य तिलक लगा हुआ है, भगवान के गले में दिव्य माला सुशोभित हो रही है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न वक्त्रम नलिनायतेक्षरम कदम्ब किंजल पिसंड वासुसम लसन महारत्न हिरण्यांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, दिव्य स्वरूप को देखा तो गज निरखत फहरान बसन की, इतना सुंदर वस्त्र है कि सूरदास कहते हैं कि भूल गयो सुधि ग्राह ग्रसन की, भूल गया कि मैं ग्राह के द्वारा ग्रसित किया जा रहा हूं, मैं डूब जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, यह भूल गया। इतनी सुंदर छवि को ललक करके व्याकुल होकर के देखने लगा और देखते ही देखते भगवान हरि रूप में गजराज के समक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता दुंदुभी बजाते पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान के सुदर्शन चक्र ने ग्राह के मुख को विदीर्ण कर दिया, हाथ डाला, भगवान ने एक हाथ से ग्राह को पकड़ा, एक हाथ से गजराज को पकड़ा, दोनों को बाहर किया। दोनों ने भगवान की स्तुति करी और जब दिव्य धाम को जाने लगे तो भगवान ने कहा, भैया इतनी जल्दबाजी क्या है, थोड़ा रुको। तो रुक गए दोनों। भगवान ने कहा, देखो इस पर्वत का वर्णन, इस सरोवर का वर्णन, तुम दोनों के मध्य हुए युद्ध का वर्णन और गजराज के द्वारा की गई जो मेरी स्तुति है, क्योंकि गजेंद्र ने जो स्तुति करी है, समय अभाव के कारण मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूं। नमो नमस्तुभ्यम सही वेग सत्यत्राया खिलधि गुणाया प्रपन्न पालाय दुरंत सिक्तय कदींद्रियाराम मनवाप्य वर्तमने, अपनी इंद्रियों को वश में करके गजराज ने जो भगवान की स्तुति की है वह समझने योग्य है, वह स्तुति मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। आप कल्याण चाहते हैं तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य करें, मनोकामना पूर्ण होगी, अंत में ठाकुर जी का दर्शन होगा और आप मुक्त हो जाएंगे। तो गजेंद्र के द्वारा की गई स्तुति इत्यादि की दिव्य कथा को जगत के लोग जो श्रवण करेंगे, अंत समय में मैं उनकी बुद्धि को पवित्र कर दूंगा, वह मेरी कथा श्रवण करके दिव्य धाम को प्राप्त कर लेंगे। दोनों जाने लगे तो यहां पर परीक्षित को शंका हो गई। परीक्षित ने कहा कि महाराज, बुलाया तो गजराज ने पर भगवान ने ग्राह का उद्धार पहले कर दिया, ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान कहते हैं यदि कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसका कल्याण करता हूं, ये बात सत्य है। हमारे चरण को कोई पकड़ लेता है तो मैं उसका कल्याण करता हूं, ये बात सत्य है, लेकिन हमारे भक्त के चरण को कोई पकड़ लेता है तो मैं उसका उद्धार पहले करता हूं। गजराज मेरा भक्त है, एक गजराज पूर्व काल में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, श्राप मिला था, इसको अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था, आती हो जा, और जो ये ग्राह है ये हुहु नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, उनके चरण को पकड़ लिया, डर गए तो श्राप दे दिया कि मूर्ख तू मुझे डराता है, ग्राह पकड़ कर तो श्राप देता हो तू ग्राह बन जा। तो हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मेरा नाम हुहू है, मैं गंधर्व हूं, मेरा नाम ही है लोगों को मनोरंजन करना, लोग कहते नहीं हा हा हुहू, तो मेरा नाम हुहू है, मैं प्रसन्न करता हूं, रखता हूं सबको, और आपने श्राप ही दे दिया। देवल ने कहा, चिंता मत कर, जब तूने पांव पकड़ ही लिया है तो एक नियम बना ले कि आज के बाद तू सबका पांव पकड़ता रहेगा और किसी दिन वैष्णव संत का, वैष्णव भक्त का चरण तेरे पांव में आ गया तो उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। चरण पकड़ने की प्रक्रिया में लगा हुआ यह ग्राह आज गजराज के चरण को पकड़ लिया और भगवान की कृपा हुई और उद्धार हो गया, दोनों दिव्य धाम को प्राप्त हुए। ब्रह्मादि देवता दुंदुभी बजाते पुष्प वर्षा करने लगे। इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जैसे गजराज सरोवर में डूब रहा था, हम लोग भी गजेंद्र की भांति संसार सागर में डूब रहे हैं, मृत्यु रूपी ग्राह हमें ग्रसित करने पर तत्पर है, कब मैं कवलित हो जाऊंगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए यदि कल्याण चाहते हो
तो भगवान का चिंतन वंदन करते रहो, निश्चित रूप से हम लोग भी भव सागर को पार कर जाएंगे, क्योंकि तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। इस जीवात्मा का सो इस संबंधित परमात्मा है, हमें इनका चिंतन वंदन करते रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम दे रहे हैं, आपको कुछ सूचना दी जा रही है, इसके पश्चात आरती। बहुत भाव विभाव सरल सहज, मन नहीं कर रहा है कि हम सरोवर से डुबकी लगाते थक जाएं, ऐसा तो नहीं है ना। सुनने का मन है लेकिन समयाभाव, कुछ परिधि परम पूज्य के इस अमृतमय कथा के तारतम्य श्री वैदिक विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान जबलपुर और रायपुर के तत्वाधान में आयोजित इस सभा स्थल पर कार्यक्रम में यज्ञ मंडप और श्रीमद् भागवत कथा के मंडप में आप सभी श्रद्धालुओं का अभिनंदन। आज आप महिलाओं ने बहुत अच्छा सहयोग किया है, महिला मंडली ने, आप महिला मंडली की तरफ से सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महिलाओं की जो उपस्थिति रही है महिला समिति में, नितिन महलोनिया जबलपुर अध्यक्ष हैं आप महिला समिति की, श्रीमती प्रियदर्शिनी दीक्षित जी, सावित्री खंडेलवाल, रेखा तिवारी, गीता शरद तिवारी, चित्रा कोडियार जी, विभा कोष्टा, अरुणा विश्वकर्मा, इसी तरीके से रायपुर से सरस्वती शुक्ला अध्यक्ष महिला समिति, सूरजमुखी चौहान रायपुर, राजेश्वरी उपाध्याय जी, ज्योति त्रिपाठी, सुमन शुक्ला, आप सभी रायपुर से आए हैं और इतनी सहज उपस्थिति के साथ साथ आप सभी सेवा दे रही हैं। और आज के प्रसाद की सेवा मोहिनी मोहिले ने किया है, माल्या मोहिनी ने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी श्रद्धाजनों से जो इस तरीके से सेवा करना चाहते हैं प्रसाद का, वो आप प्रसाद की सेवा कर सकते हैं, सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, क्योंकि महाराज श्री ने कहा है कि इस कलयुग में हमें इस ग्राह ने, ऐसे ग्राह ने पकड़ रखा है कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता, उद्धार हो सकता है तो श्री परमपिता परमेश्वर के इस कथा स्थल में आकर के, जब हम गंगा के सरोवर में गंगोत्री, इस कथामयी गंगोत्री में जब हम डुबकी लगाते हैं और परम श्रद्धे चंद्र के राष्ट्रीय संत ब्रजराज राज के धरा से, श्रीधाम की धरा से, वृंदावन धाम से जब शब्द प्रस्फुटित होते हैं तो बहुत आनंद आता है, मन विह्वल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। श्री कृष्ण बिहारी के चरणों में, चरण में पानी को हम व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुलता तभी सिद्ध होती है शब्दजनों जब हम भाव विभाव और समर्पण के साथ सहयोगी आकांक्षा में हम आए। हम आप सभी से अनुरोध, इसी तरीके से कथा चलती रहेगी। और कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव जबलपुर की महिला समिति की अध्यक्षा नीति महलोनिया ने अपना भाव प्रकट किया है श्री महाराज जी के चरणों में, उन्होंने कि हमने तैयारी करी है, कृष्ण झांकी की तैयारी करी है, कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी करी है। आप सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि यदि आप करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, कल आप अपना कुछ अंश श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव में, लाला के जन्मोत्सव में, महिलाएं तो मंगल गीत गाती हैं, शोहर गाती हैं, और जैसे सिराज जी ने कहा है कि हम कहीं खाली हाथ नहीं जाते, चाहे भाव हो, चाहे दान हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी अर्पण करना है, तो कल आप अपने मन को, तन को, धन को अर्पण करें कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव में। और हम आपको, जब हम आपका नाम, आपके सहयोग का नाम हम इस मंच से श्री विद्या वैदिक ज्योतिष संस्थान जबलपुर रायपुर के तत्वाधान में आयोजित इस मंच से, हम कथास्थल से, हम आपका नाम यदि हम
पुकारेंगे तो ये मंच भी गौरवान्वित होगा, हम भी धन्य होंगे और आपका नाम भी सुनने को आएगा। और इसी कथा के साथ कुछ लोगों ने सहयोग दिया है, जो सहयोग देना चाहते हैं वो आप अपना सहयोग दे सकते हैं, यज्ञ मंडप में सहयोग दे सकते हैं, नवग्रह नवकुंडी नव पुरस्चरण महायज्ञ में, नवग्रह के पुरस्चरण महायज्ञ में बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, ये सौभाग्य दोबारा मिले ना मिले लेकिन इस सौभाग्य को आप अपना सौभाग्य बना लें तो बड़ी भाग्य की बात है कि इस जबलपुर में आपके मध्य भारत का पहला ऐसा पुरस्चरण महायज्ञ हो रहा है। जिन श्रद्धालुओं का मन कर रहा है, आप जाना चाहते हैं, हमारा काउंटर है, जनसंपर्क है, ज्योतिष परामर्श केंद्र है, आप वहां मिल सकते हैं और आप परिक्रमा करें, यज्ञ में शामिल हों, यजमान बने। उसी तरीके से आज के यजमान और सहयोगी श्री शंकरलाल मिश्रा जी जो 21,000 रुपए का सहयोग दे करके अपने यजमानी निश्चित किया है, श्री दीपक उपाध्याय जी ने 20 टीन घी दे करके अपने सहयोग को अपना सौभाग्य बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग आप पैसे ही नहीं, सहयोग आप सामान और बहुत सारी चीजें आप दे सकते हैं। अपूर्व शर्मा रायपुर से 11,000 रुपए का सहयोग आपने प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय शर्मा रायपुर 11,000 का रुपए आप सहयोग प्रदान कर रही हैं, दान दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेलूराम वर्मा ने 11,000 रुपए का दान दिया है और अपने आपको आशीर्वाद मांगा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। रायपुर से डॉक्टर राधेश्याम वर्मा 5100 रुपए रायपुर के हैं। दिवाली जी अहमदाबाद 11,000 रुपए। और हमारे पास फ्रांस से भी एक हमारे श्रद्धालु जन ने 1,00,000 रुपए का सहयोग दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हम साधना भक्ति चैनल के माध्यम से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि जो श्रद्धालु जन, जो भक्तजन अपने घर में बैठ करके श्रद्धा साधना भक्ति चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप यदि सहयोग करना चाह रहे हैं तो हमारा नंबर, पता और नाम साधना भक्ति चैनल की स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, यजमान बन सकते हैं और अपना सौभाग्य समर्पित कर सकते हैं। अब इसके साथ मैं आरती के लिए अपने यहां के आयोजक मंडलों से निवेदन करूंगा कि आरती की थाल सजाएं। विश्राम खन्ना और निशा खन्ना जी, आपने विशेष सहयोग प्रदान किया है और हमेशा आप उपस्थिति बनाए रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजननम मे असुर गर्वगालक स्वस्थे आत्मशाली प्रजा शाली पशुशाली लोक निर्भयशाली अग्नि प्रजा माहुला मे करो त्वन्नम भयो रेदो अस्मासु दत्त आरार्थि पार्थिव गुं रजा पितुर प्राई धाम भी दिवा सदा गुं से बृहदे वितिष्ठ आतिथं वर्तते तमः दीपं दर्शयामि दीपं निवेदयामि बोले वाचे बिहारीलाल की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से निकालती भगवान की है आरती, पाप से निकालती ही घनश्याम
सबके मन की आज ये शांति की पावन होती कविता दीवाना इधर से कराने Thank you.
कार्य करता है सभी जगह सामग्री आधार सामग्री संविधान का उपयोग न करें सीमित समय ओम Narayana Swaha 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 Narayana Swaha
पूरा हाथ में जल लेकर के और आज का जो भौम ग्रह का विशेष अर्चन हवन है, भौम ग्रह के निमित्त रहा है यहाँ से सभी होता हाथ में जल ले लें। ओम सामने जल छोड़ दें और भगवान भौम का ध्यान करें। ओम धरणी गर्भ संभूतं मंगला शरदो अनंत कोटिकणमामि मूर्धा इति ललाटे दिवा मुखे ककुत हृदये पतिः उदरे प्रतिज्ञा नाभौ अयम् कट्याम् अपाम् जाङ्गोः वेतांसि गुल्फयोः जनपति पानयोः अधकरण्यासः ओम् अग्निमूर्धा अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः ककुत तर्जनीभ्याम् नमः ओमूर्धाय नम ओं कलगते शीर्षे स्वाहा ओं पति शिखाई लथका ओं पृथिव्याम कल्याम ओं अपुरेताकुशे निय भाथक रक्ताम्बरो रक्तवपुः क्रियते चतुर्भुजे सदा धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। आवृत्ति करेंगे। ओम नमः अभाग्रेदाग्निषे जन्मते भौमाय स्वाहा इदं भौमाय भौमगर्वोढाय भागवते प्रतिजाय अभाग्रेदाग्निषे जन्मते स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम् अम्मा अवागुरे दा गुंजयन्वति स्वाहा ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम् अम्मा अवागुरे दा गुंजयन्वति स्वाहा ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम् अम्मा अवागुरे दा गुंजयन्वति स्वाहा ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम् अम्मा अवागुरे दा गुंजयन्वति स्वाहा ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम् अम्मा अवागुरे दा गुंजयन्वति स्वाहा ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम् अम्मा अवागुरे दा गुंजयन्वति स्वाहा ओम अग्नि नमो धादि महा गगनपति पृथिव्याम्